आप सही ढंग से करेंगे। और जब भी हम कोई काम करते हैं तो हमारे काम के साथ कोई ना कोई एनर्जी हमारे साथ चलती है जो हमको सपोर्ट करती है, जिसके कारण हम अपने काम को अपने आगे प्रोग्रेस लेके जाते हैं, अपने आप को प्रोग्रेस में लेके जाते हैं। जैसे आप देखेंगे कि सबसे वृहस्त युद्ध जो है वो रामायण में राम रावण का हुआ था और महाभारत में कृष्ण और कर्ण और अर्जुन का हुआ था। तो ये इतना वृहस्त युद्ध था तो ऐसा बताते कि लाखों लोगों ने लोगों की इसमें जान ली। तो जब कर्ण और अर्जुन का युद्ध होता है तो जब कर्ण के द्वारा बाण चलाया जाता है तो अर्जुन का जो रथ है वो तीन फीट खींचे जाता है। और जब प्रत्युत्तर देने की बारी अर्जुन की आती है और जब अर्जुन बाण का संघान करता है तो कर्ण का रथ 6 फीट पीछे जाता है। तो जब ये देखता है तो कृष्ण भगवान जी को अर्जुन बोलते हैं, देखिए मेरी बाण की ताकत, जब कर्ण ने बाण चलाया तो मेरा रथ 3 फीट पीछे गया, जब मैंने बाण चलाया तो इसका रथ 6 फीट पीछे गया। तो कृष्ण भगवान जी बोलते हैं, देख तेरे पीछे पूछ वाला कौन बैठा है जिसकी पूछ तेरा भाई हिला ना सका। और एक खुद कृष्ण भगवान जो पूरे धरती का बोझ लेके बैठे। तो अगर गीता आप पढ़ेंगे तो गीता में ऐसा लिखा गया है कि भगवान ने अपने आप को भार विहीन किया और फिर जब कर्ण ने बाण चलाया तो रथ जो है पाताल में चला गया। तो कोई भी आपके साथ काम हो रहा है तो कोई ना कोई उसमें एनर्जी आपके साथ चल रही है। आप अगर सोचेंगे कि मैं ऐसा कर रहा हूं, मेरे साथ ऐसा हो रहा है, तो ये आप गलतफहमी में हैं।